हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द डेली अनबॉक्सिंग वीडियो सीरीज। यहाँ पे हम लोग रोज के रोज सस्ता शॉपिंग, फ्री शॉपिंग, अनबॉक्सिंग करते हैं और साथ साथ आपको बताते भी कि कौन है, कहाँ से आया, कैसे आया है और अभी अवेलेबल है या नहीं। अगर अभी अवेलेबल है तो इसी वीडियो में आपको प्रोसेस भी बता देते हैं, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, ये है मतलब अभी जो शॉपिंग करने वाले हैं सब फ्लिपकार्ट से। आपका सस्ता शॉपिंग ही हुआ है, मतलब हैवी वाला सस्ता नहीं, लूट सस्ता नहीं, लेकिन सस्ता शॉपिंग हुआ है, ठीक है। फ्लिपकार्ट से कभी लूट सस्ता शॉपिंग भी होता है 9 रुपया में। मैंने पहले अनबॉक्सिंग करके भी दिखाया 9 रुपया में, 4 रुपया में, 5 रुपये में भी करके दिखाया। लिंक्स तो मैं टेलीग्राम चैनल में देता ही रहता हूँ। अगर आप टेलीग्राम में नहीं है तो हमारे दोनों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाएगा। दोनों टेलीग्राम चैनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको प्रो लूटर फ्लिपकार्ट से भी करना है तो प्रो लूटिंग जो भी है। चलिए शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग को। तो लुक बढ़ाने के लिए इसको नज़दीक लाते हैं। लुक बढ़ गया और कुछ ना कुछ बर्गमैन टिक, बर्गमैन का था, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने ऑनलाइन सोचा कि ऑनलाइन बहुत महंगा मिल रहा है, ठीक है, इसलिए हम लोगों ने गए ऑफलाइन लगाने के लिए बर्गमैन का सामान वगैरह। तो जब हम लोग गए ऑफलाइन, मतलब लेडीज़ फ्रोश लगाना, तो बर्गमैन का, आप अगर मेरे ब्लॉग नहीं देखे तो हम लोगों ने, मतलब मेरे टीम मेंबर ही नया बर्गमैन खरीदा है, सुजुकी बर्गमैन, ठीक है, स्कूटी है। तो सोचा कि चलो उसका लेडीज़ फ्रोश लगाते हैं। तो ऑनलाइन देखे 500 कैसे कुछ था, 450 या 450 के लगभग कुछ था, ठीक है। अगर ऑफर वगैरह लगाते तो 20-30-40-50 और घटता, ठीक है। तो हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, ऑनलाइन से महंगा दे रहा, जब गए ऑफलाइन तो 550 कितना ले लिया यार। इसीलिए हम लोगों ने इसको भी ऑनलाइन मंगाया, ऑफलाइन गए नहीं खोजने। बड़ा महंगा बेच रहा है अभी बर्गमैन का सामान उन लोग। क्वालिटी, अरे हाँ, अच्छा स्मूथ, बढ़िया क्वालिटी दिया है। देखा जाए तो सकते हैं इसके अंदर है, ये मस्त है। इस ये जो है, एक मिनट इसको बचा लेते हैं, पहले तो गिर रहा है। तो ये जो है इसका सुजुकी बर्गमैन का आगे लगाना है, मतलब नीचे पे थोड़ा अच्छा लुक थोड़ा बढ़ेगा इससे, ठीक है। और यहाँ पे कैप दिए हुए हैं, जो कि ये कैप यहाँ पे लगते हैं, वहाँ पे स्क्रीन शॉट रहता है ना, वहाँ पे तो वहाँ पे लग जाएंगे। चलिए बढ़िया है, चलिए इसको साइड में रखते हैं। तो आते हैं अब नेक्स्ट पार्सल की और, जो कि है इसको करते हैं। इसको लेकर अपडेट मैंने आपको टेलीग्राम में दिया था, मैंने क्यों बता रहा, चलिए देखिए आपको पता चलेगा। और ये रहा, तो ये देख सकते हैं इसका रियलमी बड्स वायरलेस ब्लूटूथ हेडसेट 999 मिल रहा था, 20-30 और घट गया था, मतलब अच्छा सस्ता मिल रहा था, ठीक है, इसलिए ऑर्डर कर लिया गया इसको। तो देख सकते हैं रियलमी बड्स वायरलेस, तो इसके अंदर सकते हैं सिंपल वही पैकेजिंग, तो इसको खोलते हैं, ये रहा। और इसका बेसिक बेनिफिट क्या है, मैग्नेटिक कंट्रोल है, मतलब हटाएंगे तो शायद बंद हो जाएगा। और बेस्ट ड्राइवर देख सकते हैं, 12 घंटा का बैकअप है, फ्लेक्सिबल नेक बैंड है, ब्लूटूथ 5.0 स्वेट प्रूफ है, मतलब थोड़ा मोड़ा ये बारिश में थोड़ा मोड़ा पानी झेल लेगा। और प्रिंट रेट इसका 2000 रुपये, ऑनलाइन जनरली 14-15 में तो मिल ही जाता है। रियलमी का पसंद किया पहले ने, बोट का पसंद किया, फिर सोचा नहीं रियलमी का अगर सस्ता मिल रहा है तो रियलमी ही बेटर होगा, क्योंकि रियलमी का पसंद आता है। बोट का भी ठीक ही रहता है, बोट का मैंने पहले बार पीछे मंगाया भी था, आपने देखा भी होगा, हो सकता है अनबॉक्सिंग अगर रेगुलर देखते हैं तो। बढ़िया था वो भी, लेकिन उतना पसंद नहीं आया था, इसका बिल्ड क्वालिटी बढ़िया था, ठीक है। और पैकेट कंटेंट किस में दिया होगा यार, अंदर ही होगा ना, अच्छा इधर से खुलता है। साइन दिया हुआ था और ये दिया निकालने के लिए, और नीचे कुछ नहीं है। अलग अलग कंपार्टमेंट बना रहा था, यूनिक से कंपार्टमेंट बना रहा था इन लोगों, तो देख लेते हैं इसको भी क्या दिया हुआ इसके अंदर, ठीक है। साथ में दिया इसका माइक्रो यूएसबी केबल चार्ज करने के लिए, अब कुछ इसके टिप्स और साथ में इसका यूज़र गाइड, और ये रहा अपना बेसिक सा हेड, ये मतलब नेक बैंड, छोटा साइज में छोटा है लेकिन ये इसके अंदर कम दाम में दे रहा है। ये अलग होगा, ये अलग होगा, अपने आप ये ऑन हो जाएगा, पहला अनुभव मेरा ना, और जैसे हटाएंगे अपने आप बंद हो जाएगा ये। हम यहाँ झूठ मूठे दबा रहे थे इसको। चलिए अब इसको खोलते हैं, उसके बाद लास्ट में जो खोलेंगे, जैसे इसके अंदर क्या है, MCPCB सर्च कीजिएगा ना, तो जो LED बल्ब रहते हैं 9 वाट के, उनका किट मिलता है इसमें, ठीक है। मेरा एक भाई है, मेरे ऑर्डर करवाया, ठीक है। तो यार मेरा एक तो बचपन में इंटरेस्ट था, तो सोल्डिंग आयरन मंगा लिया था मैंने, आ चुका पहले, और साथ में भी आ गया कुछ, बहुत सारा बल्ब फ्यूज़ व्यूज़ है मेरे घर में रखा हुआ, तो खुद ही बना लेंगे। बचपन का प्यार था मेरा, कभी एक समय पता है, बचपन में पंखा बना लेता था, CD बनाता था, TV बनाता था, TV उतना सही सक्सेसफुल नहीं बना पाता था, लेकिन CD का बहुत सारा सेक्शन में बना लेता था, पंखा बनाने सीख गया था, और बेसिक में टॉर्च वगैरह बनाता था, और कमाई भी शुरू कर चुका था बचपन में से। मतलब अगर उस समय टॉर्च हो जाए तो मोबाइल का फ़ोन था नहीं, सब टॉर्च रहता था, नया नया उस समय आता था, LED चार्जेबल सब आता था नया नया, कि चार्ज में लगा चार्ज होता फिर चलाओ, तो सब ख़राब भी होता था, तो हम लोग बनाते थे, हमारे मेरा बगल का पड़ोसी बनाते थे मिलके, खूब पैसा वैसे कमाया, टोपी उपी बनाता था बर्थडे वर्थडे के लिए, अलग लाइट वाइट करता था, बहुत मज़ा आता था। तो सोचा चले फिर से शुरू करेंगे इसको, वायर नहीं मंगाया ना इसके लिए मैंने,
वायर ही मंगाना होगा। चलिए बढ़िया, ले सकते हैं। कितना कैलकुलेट किया जाए, बिल कहाँ गया बिल? तो बिल तो इसके अंदर दिया नहीं है, बिल तो इसके अंदर दिया नहीं है, लेकिन कैलकुलेट किया शायद 10-15 या ऐसे करके कुछ पता नहीं पड़ रहा था। साइड में कैलकुलेटर में डाल दूंगा कि कितना रुपीस पड़ा मेरा इसका, खुद से बनाएंगे, 5-10 मिनट लगेगा ही और बस रेडी हो जाएगा, नया खरीदने जरूरत नहीं है। बढ़िया है ना, इसलिए मैं सोचा चलो खुद से करेंगे ये सब चीज़। कोई अगर करना चाहता है ना तो मस्त बिजनेस आइडिया भी है। खुद से अगर मंगाए तो 400-500 के करीब मंगाए, 10-12 रुपये पीस पड़ेगा ये, उसका जो खोल भी मंगा सकते हैं, या फिर आप रिपेयर शॉप भी खोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि मैं अगर बना के दूंगा तो 6 महीना 1 साल का वारंटी दूंगा, मेरा वारंटी, फिर से लाइए मैं बना के मैं फिर से आपको दे दूंगा। इस तरह से कमाई कर सकते हैं, बढ़िया क्वालिटी किट लाइए और जो 1.5-2 साल चले, इस तरह से आपका कमाई भी अच्छा खासा होता रहेगा। बढ़िया बिजनेस आइडिया, खुद से भी कर सकते हैं घर में खाली टाइम है तो। फिलहाल मैं बेचने के लिए नहीं कर रहा, मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ही टाइम पास के लिए, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर, जो कि है बूम। गाइस बूम बोलने लायक कोई बात नहीं है, इसमें सस्ता ही पड़ा है, सस्ता इसके से पड़ा, देख सकते हैं इसके अंदर है सिंगल बेड है लेकिन डबल विंग ब्लैंकेट है, ठीक है। ब्लैंकेट मैंने सोचा मंगाएंगे, ब्लैंकेट मैंने सर्च करा तो ऊपर में दिखा रहा था एक दो ठो, उससे पहले मैंने एक ब्लैंकेट मंगाया था, वो डबल बेड मंगाया था, 2.5 किलो का शायद, वो 1000 ही पड़ा था, लेकिन ये है कितना किलो का है देखने में, बिल मिले तो पता चले, ठीक है। नहीं तो क्या बोलते हैं, ज़्यादा सस्ता नहीं पड़ा है, महंगे पड़ा है। देखा जाए तो मैंने इसको इसलिए मंगाया क्योंकि फर वाला है, इससे पहले मैंने आंटी उंटी से पूछा था तो उन्होंने बताया था कि नॉर्मली ये सब सिंगल बेड ये सब 800-900 में मिलता है मार्केट में, ठीक है। तो मैं सोचा चलिए अनबॉक्सिंग मेरा हो जाएगा और ऑनलाइन का ऑनलाइन क्या, और ऑनलाइन सस्ता ही मिल जाएगा मेरे को, ऑफलाइन बड़ा ठगता है यार, अगर मम्मी बिना मैं अकेले चल गए लेने ना तो मेरे को और ठग लेगा। मम्मी लोग को प्राइस का आइडिया रहता है, भले उन लोग को भले को दुकानदार को पता हो या ना हो, लेकिन वो लगता है कि लेडीज़ को पता रहता है, इसलिए उन लोग को दाम ठीक ठाक बलता है, भागे नहीं, लेकिन लड़का जाए तो ओ मैया बुरा लूटता है एकदम। मेरे पहले एक समय गजब लूटा था घर में, आके मम्मी गाली सुने थे, इतना महंगा ले लिया, बोले तो ये सब इतना सस्ता मिलता है, अरे यार ठग लिया मेरे को डैम। तो उसके बाद से जब भी मैं जाता हूँ ऐसे कुछ शॉपिंग करने, मम्मी को ले जाता हूँ, नहीं तो अब तो ऑनलाइन कर लिया यार, सब कुछ ऑनलाइन शॉपिंग, मम्मी भी नहीं बाजार जाना पड़ता है, आपको ऑनलाइन देख सकते हैं। इसका 550 पड़ा या पता नहीं कितना पड़ा है, साइड में स्क्रीन शॉट करता हूँ, लेकिन बड़ा सॉफ्ट बहुत है यार, कच्चा का सॉफ्ट है, मज़ा आ गया। और ये है सब कुछ मैंने साइज वगैरह देख लिया है, सब कुछ साइज वगैरह देख लिया, 6 फीट से ऊपर ज़्यादा लंबाई है और चौड़ाई, सिंगल बेड के हिसाब से सही है, सिंगल बेड ही है मेरा, सिंगल बेड ही है मेरा, ऑर्डर देके बनवाए थे क्योंकि रूम में मेरे को ज़्यादा जगह चाहिए था, यहाँ पर बहुत बड़ा पलंग हुआ करता था, तो मैंने साइज वगैरह देके खुद का अलग से चौकी बनाया, सिंपल छोटा साइज का, इसमें सिर्फ मैं अकेले आटूँ। तो बस इतना ही, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन क्लिक करके ऑल करते फ्यूचर में ऐसी वीडियोज़ का मिस न करें। बाय, हैव अ गुड डे।